हम लोग यहाँ पर कश्मीर में जो कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, कोविड के दौरान हमने इसको बंद किया था, कोविड के बाद हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं। बारामला में हमने काफी बार जो है झांकी हमने निकाली है, और हमने बारामला राम मंदिर में भी झांकी ली है पहले भी, और आज फिर से हम वही प्रथा के तहत कृष्ण झांकी को बारामला में राम मंदिर में जाके कल्मिनेट करने वाले। आज जन्माष्टमी का त्योहार है जो कश्मीर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज के दिन द्वापर युग में मथुरा में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, और उसी की खुशी में हम ये आज का दिन मना रहे हैं जन्माष्टमी का। तो ये जन्माष्टमी का महत्व कृष्ण भगवान के जन्म के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आज के दिन का महत्व। और आज ये झांकी जो निकली है, ये पंडित पुरानी वीरवल से निकल के यहाँ हमारे प्राचीन उग्रनाथ मंदिर जी तक आई है। यहाँ पे आरती होगी, उसके बाद इसका समापन होगा, और पूजा अर्चना जो रात के 12 बजे तक चलती रहेगी। आज लगभग सबका व्रत होता है, और 12 बजे के बाद भी सारे व्रत खोलेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ बारामूला के आवाम का, जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया। जगह जगह पे पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, जूस की, फल की, फ्रूट की जो छबीलें लगाई हुई थी, उन्होंने बहुत ही तहे दिल से इसका इस्तकबाल किया है। मैं दिल की गहराइयों से और सारी हिंदू बरादरी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खसूसन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एजेंसियों ने, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब कराने में आज तहे दिल से बिल्कुल एडियो पे खड़े रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बारामूला टाउन में जो है कश्मीरी पंडित भाइयों ने जो है एक जन्माष्टमी के मुहूर्त पर पंडित कॉलोनी वीरवन से लेकर रघुनाथ मंदिर टाउन बारामूला की तरफ एक झांकी का आयोजन किया था। ये झांकी जो है बड़ी ही खूबसूरती के साथ, बड़े ही जोश खरोश के साथ निकाली गई। इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब ने शिरकत की, और बहुत ही भक्तिमय वातावरण में जो है ये झांकी का आयोजन किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि बारामूला के तमाम लोगों ने, वो किसी भी मजहब के हो, सब ने जो है इस झांकी का खैर मकदम किया, अपने अपने तरीके से उसको मुबारकबाद दी। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर दुकानदारों ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, आम शहरियों ने जो है पानी का स्टॉल, जूस का स्टॉल, फल डिस्ट्रीब्यूट किए, और इस तरीके से जो है आज बारामूला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका जो है इतिहाद का मंजर जो है हमें देखने के लिए मिला। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। हमें बारामूला पुलिस को इस बात पे फख्र है कि इनके इस सारे आयोजन में जो है हम भी अपना छोटा मोटा जो है किरदार निभा पाए। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये भाईचारा, ये मोहब्बत बारामूला के लोगों में, कश्मीर के लोगों में ऐसे ही पनपती रहे और इसमें और इजाफा होता रहे।